Hello and welcome to Lavneesh Sirki Class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet, worksheet number twenty nine, and it is only for class eight students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic conjunction in this worksheet. What is the meaning of conjunction? In this worksheet, we will learn this. So, without wasting our time, let's start and understand with me. A conjunction is a word that joins. टू और मोर वर्ड्स फ्रेजेज और क्लॉजेज यानी एक कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को या फ्रेज को फ्रेजेस का मतलब सेंटेंस भी बोल सकते हैं या क्लॉजिस को जोड़ता हो कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला वर्ड ठीक है लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स चलिए नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स पर एक नजर डालते हैं जैसे वर्ड्स को जोड़ने वाला सिल्वर एंड गोल्ड दो चीजें हैं, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है सिल्वर एंड तो जो यहां पर एंड वर्ड लिखा है दिस इज कंजंक्शन समझ में आई और अगर हम फ्रेजेस को जोड़ें, जैसे कि देखें ओवर द रिवर्स एंड थ्रू द वुड्स यानी रिवर्स से होते हुए और रिवर्स uh, के ऊपर और जंगलों से होते हुए तो जो दो फ्रेज़ेस यहां पर आए ओवर द रिवर्स एंड थ्रू द वुड्स इसके बीच में जो वर्ड आया एंड दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन और उसके बाद है क्लॉजे मैरी प्लांटेड अ फ्लावर मैरी ने एक फ्लार लगाया एंड शी वॉच इट ग्रो और उसने उसको बढ़ते हुए देखा तो जो ये एंड आ रहा है आप देख रहे हैं वर्ड्स के बीच में या फ्रेजेस के बीच में या क्लॉजेस के बीच में तो ये क्या है कंजंक्शन यानी इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक ही बना रहा है इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन अब डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या है कौन से हैं? लेट्स सी तो सबसे पहले हम एंड का यूज ही देखते हैं देखिए टू ज्वाइन टू और मोर सिमिलर आइडियाज यानी दो या दो से ज्यादा एक जैसे आइडियाज को मतलब एक जैसे सेंटेंस को जिसका मतलब एक जैसा ही हो उनको जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं जैसे रानी इज ब्यूटिफुल एंड सो इज भावना यानी रानी सुंदर है और इसी प्रकार भावना भी तो हमने एक ही सेंटेंस बना दिया लेकिन उसको एंड से जोड़ के बना दिया नहीं तो हम बोलते रानी इज ब्यूटीफुल भावना इज ब्यूटीफुल तो दो अलग अलग सेंटेंस है लेकिन इसको हमने एक में जब चेंज किया तो हमने एंड लगा के उसको एक ही सेंटेंस बना दिया तो ये क्या है कंजंक्शन फिर टू शो वन आइडिया कम्स आफ्टर अनदर यानी एक ऐसा वाक्य फिर उसके बाद दूसरा आने वाला वाक्य जो उसके बिल्कुल ही रिलेटेड हो तो उसको जोड़ने के लिए भी हम एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं जैसे सीमा वेंट टू द मार्केट सीमा मार्केट गई एंड बॉट सम ग्रॉसरी और कुछ ग्रॉसरी यानी परचून का वो सामान उसने खरीदा तो दो ना होके एक ही सेंटेंस बन गया और एंड से हमने उसको जोड़ दिया फिट टू शो दैट वन आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ अनादर या हमें ऐसे दिखाना है कि भाई कोई एक ऐसा सेंटेंस जो कि पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट हो तब भी हम एंड का यूज करके उसको जोड़ देते हैं जैसे वी सॉ द स्ट्रे ट्री यानी हमने एक स्ट्रेबुल का मतलब होता है जो सड़कों पर यूं ही घूमते रहते हैं आवारा. कुल का मतलब यहाँ पर सांड समझ लीजिए वैसे तो आ, है ना बैल भी होता है तो स्टेबुल का मतलब जो ऐसे सड़कों पर आवारा पशु घूमते रहते हैं ना तो हमने देखा कि एक वो सांड हमने देखा हमारी तरफ आते हुए तो वी क्लाइं ऑन अ ट्री और हम पेड़ पर चढ़ गए तो ये जो एंड है जिससे ये सेंटेंस पूरा एक ही बन गया दो सेंटेंस ना होकर एक बन गया जैसे ये हमने एक सेंटेंस देखा और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो तो ये दिखाने के लिए हम एंड यूज करते हैं तो इन तीनों को जो अभी हमने बताया उसके लिए हम एंड से इसको सेंटेंसेस को जोड़ते हैं अब हम बट भी लगाते हैं बट भी एक कंजंक्शन है जैसे टू ज्वाइन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज का मतलब कि विपरीत जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ने के लिए हम बट लगाते हैं है ना कोई एक अलग तरीके का सेंटेंस होता है कोई दूसरा उसका बिल्कुल उलट होता है तो हम बट का यूज कर सकते हैं जैसे कि संगीता इज नॉट इंटेलिजेंट बट शी इज वेरी ऑनेस्ट यानी संगीता इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो बहुत ईमानदार है तो दो अलग अलग आइडियाज हो गए लेकिन हमने उसको बट के साथ कंजंक्शन बट क्या है कंजंक्शन तो हमने ऐसे जोड़ दिया इन द सेम सेंस एज विद द एक्सेप्शन ऑफ यानी सेम सेंस क्या है कि भाई देखो जैसे यानी कोई एक्सेप्शन वाली सेंस दिखानी हो देखो नो वन बट आई विश्ड पांडे जी ऑन हिज बर्थडे नो वन यानी किसी ने भी नहीं लेकिन मैंने पांडे जी को उनके बर्थडे पर विश किया ठीक है तो ये इन ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम बट का यूज करते हैं बट एक कंजंक्शन है फिर एक और कंजंक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं इधर और, और. यानी ये दोनों शब्द एक साथ यूज होते हैं इधर अगर हम इधर लगाएंगे तो और भी लगाएंगे इधर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये समझ रहे हैं जैसे टू शो चॉइस और पॉसिबिलिटी जब हमें चॉइस दिखानी हो यानी दो चीज़ों में भाई या तो ये ले लो या ये ले लो या पॉसिबिलिटी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है जैसे यू कैन हैव इधर अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफ़ी यानी आप जो है एक कप चाय भी ले सकते हैं और एक कप या एक कप कॉफी ले सकते हैं है ना तो हम जब ये बोलते हैं ना सेंटेंस कि या तो आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं तो हम इधर और और का यूज करते हैं इसी तरह से नाइदर और नौर होता है इसको नीदर नहीं बोलना हमने इधर बोला तो नीदर नहीं है तो ये है नाइदर नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज करेंगे टू तो रिजेक्ट और रिफ्यूज बोथ ऑप्शन जब हमें दोनों दो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन हो और दोनों को ही हमने क्या करना है रिजेक्ट करना है उसको नहीं मना करना है हमें जैसे नाइदर संजय नॉर रोहित हेल्प मी इन होमवर्क ना तो संजय ने और ना ही रोहित ने होमवर्क करने में मेरी मदद की तो जब हम रिफ्यूज कर रहे हैं दो चॉइस को दो चॉइस मांग रहे हैं तब इधर और उनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो ना इधर और नॉर फिर इसके बाद है येट येट का मतलब होता है टू शो अ स्ट्रांग कंट्रास्ट यानी जब हमें स्ट्रांग कंट्रास्ट को शो करना हो जैसे इट फेल्ट स्ट्रेंज एंड येट सो वंडरफुल टू स्काने गलत बोला ये स्काई नहीं है स्की है ये ठीक है इट फेल्ड एंड ये सो वंडरफुल टू स्की इन द समर ये बहुत अजीब लगता है लेकिन फिर भी गर्मियों में स्की करने में बहुत मजा आता है स्की का मतलब क्या होता है जानते हैं ना बर्फ पर जो स्कीइंग करते हैं वो ठीक है फिर उसके बाद है सो so लगाना है टू शो द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट आइडिया वही ऊपर के जैसे ही जब हमें किसी फर्स्ट आइडिया के रिजल्ट को दिखाना है जैसे ही वॉज एक्साइटेड सो ही डांस द पार्टी बाय लेट नाइट वो बहुत उत्साहित था इसलिए उसने पार्टी जो है लेट नाइट तक वो पार्टी में डांस करता रहा या इन सेंस ऑफ इन एडिशन टू यानी किसी आ, कोई सेंटेंस है उसी के एडिशन में कुछ और करना है जैसे दे आर वॉचिंग मूवी सो आर वी वे मूवी देख रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं? इस तरीके से हमें इनको यूज करना होता है कंजंक्शन आप इसको दोबारा से भी सुनेंगे ना मेरी इस वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा नाउ विल मूव ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चन अब आपको क्या करना है कंप्लीट सेंटेंसेस विद एंड इधर और नॉर और येट ठीक है इनसे आपको इसको पूरा करना है जैसे शिल्पा वेंट टू स्टोर अब क्या आ जाएगा यहां पर एंड बॉट अ फ्यू ड्रेसेस यानी शिल्पा स्टोर गई दुकान पे गई और उसने और उसने कुछ ड्रेसेस खरीदी एंड इट वॉज अ स्मॉल हाउस अब क्या आएगा यहां पर यहां पर क्या आएगा बट आएगा है ना दो कंट्रास्ट आइडिया है देख रहे हैं इट वॉज अ स्मॉल हाउस बट इट वॉज ब्यूटिफुल ये एक छोटा घर है लेकिन यह बहुत सुंदर था ठीक है यह बहुत छोटा घर था लेकिन यह बहुत सुंदर था शाम सुंदर वॉन्टेड टू बी अ पायलट डैश ई स्टडिड हार्ट जब हमें देखो कारण दिखाना हो रहा है ना तो हम बोलेंगे शान सुंदर वॉन्टेड टू बी अ पायलट सो ई स्टडीड हार्ट तो इसलिए उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की द डॉग मस्ट बी हाइडिंग डैश बिहाइंड द कर्टेन और डैश अंडर द बेड तो इसमें क्या आना चाहिए इसमें आएगा और, और पहले लिख लेते हैं और फिर इसको समझाते हैं डॉग मस्ट बी हाइडिंग इधर बिहाइंड द करटेन और अंडर द बेड यानी जो कुत्ता है वो या तो करटेन के पीछे छुपा होगा छुप रहा है या फिर वो अंडर द बेड यानी बेड के नीचे छुप रहा है फिर उसके बाद है वी वेटेड फॉर आवर्स एंड आवर्स डैश द बस डेंट कम यानी हम बहुत घंटे इंतजार करते गए द बस डिंट कम तो इसमें क्या आएगा बट ठीक है बट द बस डेंट कम देखो आप इसमें येट लगा सकते हैं येट द बस डेंट कम तो हम बट ना लगा के हम येट लगा लेते हैं वी वेटेड फॉर आर्स एंड आर येट द बस डेंट कम यानी हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन बस अभी भी नहीं आई लेकिन है ना तो हम इसको येट करते येट का भी यूज कर सकते हैं हम इसमें फिर है आई कुक लंच माई सिस्टर टाइडेड द रूम्स यानी मैं लंच पका रहा हूं अब तो इसको हम एंड से जोड़ सकते हैं ठीक है आई कुक लंच मैं लंच पका मैंने लंच पकाया एंड माई सिस्टर टाइड द रूम्स, यानी मेरी सिस्टर ने रूम को साफ किया ठीक है इट वॉज डैश माई फॉल्ट डैश हिज फॉल्ट इन ब्रेकिंग द चेयर तो इसमें आएगा नाइदर हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना नाइदर और नॉर यानी आई इट वॉज नाइदर माई फॉल्ट नॉर हिज फॉल्ट इन ब्रेकिंग द चेयर यानी इसमें ना तो मेरी गलती है ना ही उसकी गलती है इसको चेयर को तोड़ने में अब इसमें यू शुड बी आ इधर आएगा यू शुड बी इधर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर या तो आपको डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए है ना ऑप्शन आ गए दोनों इट वॉज अ प्लेजेंट इवनिंग डैश वी वेंट फॉर अ वॉक अराउंड द टाउन तो देखो ये एक सेंटेंस दूसरे का रिजल्ट है तो हम यहाँ पर सो का यूज करेंगे एसोसो इट वॉज अ प्लेजेंट इवनिंग ये बहुत खूबसूरत शाम थी सो so, इस कारण से वी वेंट फॉर अ वॉक अराउंड द टाउन शहर में घूमने के लिए गए और फिर है इट वॉज अर्ली वी वर ऑलरेडी फॉर बैड आफ्टर लॉन्ग हाइक देखो इसमें हम लगाएंगे क्या लगाएंगे बट क्योंकि ये कंट्रासी का आइडिया बन गया इट वॉज अर्ली ये जल्दी था लेकिन हम सब सोने के लिए तैयार थे क्यों आफ्टर आवर लॉन्ग हाइक यानी हमारी लंबी पैदल यात्रा चलने के बाद ये जल्दी था लेकिन फिर भी हम सोने के लिए तैयार थे तो बट आएगा इस तरीके से हमें इसको करना है सो नाउ दैट्स सॉल्व फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड यानी कि जब भी आप स्कूल जाएं प्लीज यूज योर मास्क प्लीज wear योर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच